हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना? जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नो इफ नो कैन ओनली रोहित द हिटमैन। सो गाइस, अभी हम लोग कवर करेंगे जो यूरो लीग का मैच होने वाला है। झालगिरिस काउनास वर्सेस अर्बा बर्लिन के बीच में ये मैच खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो गाइस, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है? और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस जरूर करना है, क्योंकि जो कुछ वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप रिलेटेड और इंजरी रिलेटेड ये सारे अपडेट मेरे यूट्यूब के वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको अगर आप प्रेस करते हो तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेंगे जैसे ही वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टेलीग्राम पे हो, टेलीग्राम यूज़र हो, तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन, क्योंकि लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होते हैं या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है तो वो सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो आइए देखते सीधा मैच के स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झालगिरिस काउनास के बारे में। 94-60 से लास्ट मैच जो हुआ था यूरो लीग का ये लोग का, तो हारे थे वो। स्टार्टिंग लाइनअप में थे नेबो, कैवानो, गिफी, कैलनेडिस, स्टर्लिंग्स। नेबो देख सकते हो 27 मिनट में 8 points 4 rebounds, टी कैवानो 25 मिनट में 9 points 3 rebounds 1 assist 1 block, एंड गिफी 21 मिनट्स में 2 points 3 rebounds 1 assist 1 block 1 steal, कैलनेडिस 16 मिनट्स में 2 points 1 rebound 5 assist 1 block, स्टर्लिंग सीज 14 मिनट्स में 2 rebounds 1 assist 2 steals। उसके बाद में बेंच से खेलते मिलाक मिस 25 मिनट में 14 points 2 rebounds 1 steal, लिक्विशियस 25 मिनट में 14 points 4 assist, जानुकनास 15 मिनट्स में 9 points 4 rebounds 1 block, इलानोवस 14 मिनट्स में 3 rebounds, एम ब्लेजेविच 13 मिनट्स में 2 points 4 rebounds 2 assist। बाद में खेलते लुक्सियनास 6 मिनट्स में 1 rebound 1 assist, अपने टीम के लिए उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था विद 1 steal। अभी हम लोग बात करेंगे अल्बा बर्लिन के बारे में। लास्ट मैच 89-101 से विन की थी। स्टार्टिंग लाइनअप में थे सिकमा, स्मिथ, लॉ, ओलिंडे और कॉमर्जे। सिकमा का परफॉर्मेंस देख सकते हो, 26 मिनट्स प्ले किया था, 14 points 11 rebounds 6 assists 1 block 1 steal। बाद में जेलन स्मिथ 24 मिनट्स में 13 points 3 rebounds 1 assist, एम लो 24 मिनट्स में 12 points 2 rebounds 9 assist, एल ओलिंडे 23 मिनट्स में 7 points 3 rebounds 1 block 1 steal, सी कॉमर्जे 13 मिनट्स में 8 points 3 rebounds 1 block। बाद में थी मैन देख सकते हो 23 मिनट्स में 13 points 5 rebounds 1 assist, वुडी सिल्वर 19 मिनट्स में 12 points 2 rebounds 1 assist, जूजमैन 18 मिनट में 6 points 3 rebounds 3 assist 1 steal, एरिक्सन 16 मिनट्स में 10 points 1 assist, तमिर ब्लाट 15 मिनट में 6 points 1 rebound 2 assist। ठीक है, तो ये स्कोर कार्ड था अल्बा बर्लिन के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे टीम के प्रोबेबल कॉम्बिनेशन के लिए। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ से पीजी सेक्शन से मैंने पिक किया कैलनेटिस को। एम लोग क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, 17 क्रेडिट अगर आप मैनेज कर सकते हो तो उसको अपने टीम में ज़रूर ले लेना। बात करेंगे ई मुरिया की, ये मैच नहीं खेलने वाले हैं, झालगिरिस से टीम से ये बाहर हो गए। ठीक है, अभी बात जो मोर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जोरान ड्रैजिक। ठीक है गाइस, ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, न्यू एडिशन है झालगिरिस की टीम में। अगर आज के मैच में अवेलेबल होते हैं तो ये आज का मैच ज़रूर प्ले करेंगे। ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ न्यूज़ आएगी मुझे तो टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सेकंड प्लेयर है टी वेबस्टर, ऑस्ट्रेलिया एनबीएल का प्लेयर है गाइस, बहुत बढ़िया प्लेयर है ये भी न्यू एडिशन है झालगिरिस के टीम में। तो जी ड्रैजिक और टी वेबस्टर अगर दोनों में से कुछ किस प्ले करता रहेगा ये मैच में तो आपको न्यूज़ सारे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो शूटिंग गार्ड से यहाँ से पिक किया है स्मिथ को, लिक्विशियस को एसएफ से मैंने पिक किया है, नाइजल जिफी ओलिंडे को यहाँ से मैंने पिक किया है, पीएफ सेक्शन से आप देख सकते हो सिकमा को और कैवानो को मैंने यहाँ से पिक किया है, और सेंटर से मैंने पिक किया ओडी सिल्वा को। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कैवानो के बारे में तो यहाँ पे आपके लिए रिप्लेसमेंट के अच्छे प्लेयर ऑप्शन अवेलेबल है। जूजमैन एक अच्छे ऑप्शन से यहाँ पे, और सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ से आपके लिए थीमैन ऑप्शन है, बहुत दोनों बढ़िया प्लेयर है। तो थीमैन यहाँ पे जूजमैन या कैवन हो किसी एक के साथ आप जा सकते हो आज के मैच में। एसपीपी की बात करेंगे फिलहाल के लिए, एसपी के लिए मैंने रखा हो सिकमा को, ये यूनिवर्सल एसपी रहेगा, सेम रहेगा, सेफ रहेगा। पीपी के लिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे ये मैच में लिए ओडा सिल्वा, जे स्मिथ, और अगर आप एम लो को पॉइंट गार्ड सेक्शन से पिक कर दो तो एम लो को आप एज अ पीपी कर सकते हो। सो ये होने वाला है मेरा प्रोबेबल टीम का कॉम्बिनेशन। अगर लाइनअप के बाद कुछ चेंजेस होते हैं या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है तो उसके रिलेटेड सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक जरूर कर देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।